पार्ट ऑफ our एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन फॉर the 2022 ICC T20 World Cup in Australia. वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनलिस्ट एंड पैनलिस्ट रिहानुल हाक रिहान क्या हाल आपका बिल्कुल ठीक ठाक रिहान आज के शो के लिए मैं कुछ ज्यादा इसलिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ कि आज आपका अंदर का नर्ट बा आएगा ठीक है जो हमने काफ़ी ज़्यादा एपिसोडस में नहीं एनालिसिस की है वो कोशिश करेंगे वो उन पर बात करें क्यों क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि रिव्यू करें ऑफ द सुपर ट्वेल्व स्टेज और उसमें देखें कि क्या की परफॉर्मेंसेस थी क्या की नंबर्स हैं जिन्हें हमें नजर डालनी चाहिए लेकिन हम अपने शो का आगाज़ करें और ज़मीन डॉट कॉम प्लेयर ऑफ़ द डे की बात ना करें तो ये हो नहीं सकता जो लास्ट ग्रुप स्टेज मैच हुआ दैट वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड जिम्बावे एंड उसके अंदर इन आर आईज एंड आई थिंक इन द आईज़ ऑफ एवरी वन हु सॉ दैट मैच द प्लेयर ऑफ़ द डे दी जमीन डॉट कॉम प्लेयर ऑफ द डे वॉ सुर्या कुमार यादव और ये मैंने आपको शुरुआत ही इतनी अच्छी दे दी क्योंकि देखिए अगर आप यही टेबल देख लें hmm. आ, रिहान तो मेरे लिए स्टैंड आउट फीचर ये है कि एक तो चलें ठीक है मोस्ट रन दिस ईयर इन इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट लेकिन जब भी बात करते हुए हमें ये सवाल भी आते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आई की टी ट्वेंटी की रैंकिंग है इट इज़ क्यूड मोर इन फेवर ऑफ टॉप ऑर्डर बैट्समैन and then you see Surya Kumar Yadav be number one and just you know everything it just blows your mind. Yeah and also it is cute in favor of top order batters uh, Abhi bhi aap chitti mein rankings dekhenge top 10 ke ina Surya Kumar Yadav will be one of the exceptional cases. Aur ek probably honge. par wo bhi usme bhi hai ke number 4 pe ya wo number 3 pe bhi khel chuke hain Aur Surya Kumar Yadav bhi by the way over the last one year has batted in very uh, different positions has batted at 3, has batted uh, open for India has batted at 4 the thing here is ke जो सूर्या कुमार यादव की सारी गेम है वो ये है कि आपको पूरी दुनिया के अंदर कुछ टाइप के प्लेयर होते हैं जो बहुत कम मिलते हैं एंड uh, सर्टन आपको ओपनर मिल जाएंगे यू विल गेट अ हर टीम के पास आप जाएंगे आपको टॉप क्वालिटी ओपनर्स मिल जाएंगे आपको उनके बैकअप उसी कंट्री के अंदर आपको अच्छे ओपनर मिल जाएंगे आपको नंबर तीन के ऊपर वही ओपनर को आप एक नंबर नीचे लें आपको तीन पे मिल जाएंगे जो मिडल ऑर्डर बैटर है और जो फिनिशर है आर अभी भी डिस्पाइट सो मच टी क्रिकेट प्लेड बहुत कम है एंड जो सूर्या कुमार यादव का रोल है वो तो बोला वो तो बिल्कुल उससे भी कम है कि नंबर चार पे कोई आ रहा है मिडिल ओवर्स के अंदर डजेंट केयर वर्ट द सिचुएशन इज ड मैटर हैपनिंग अराउंड हिम एंड इज गोइंग टू जस्ट कम्प्लीटली ट्राई टू प्ले हिज गेम एंड एन आई लेट वो जो टाइप ऑफ प्लेयर है ना वो वो ढूंढना बहुत मुश्किल काम है वो बहुत मुश्किल काम है अच्छा मैं एक और बात ये करूँ कि मेरे नज़दीक सूर्या कुमार यादव की जो सबसे आ, ये जो आखिरी मैच हुआ था जिम्बावे का उसके अंदर जो सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर था ना पूरी इनिंग्स तो चले ठीक थी वो जो आखिरी शॉट है ना दैट इज जस्ट अनबिलीवल वो बंदा कोई वीडियो गेम पर भी वैसी शॉट नहीं मार सकता yeah. yeah. जैसी वो शॉट है सो आई मीन दैट वे इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फिगर आउट द करेक्ट लाइन टू हिम एब्सोल्युटली एंड uh, उसको किस लाइन पे आप बॉल करेंगे डेथ के अंदर कैसे बॉलिंग करनी है मिडल ओवर में आपने उसको क्या कौन से बॉलर लगाने हैं दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम मोस्ट टीम्स प्ले लेग स्पिनर्स टू काउंटर दूसरी टीम का मिडिल ऑर्डर उसका फेवरेट मैचअप लेग स्पिन है तो आप लेग स्पिन भी लगा सकते उसके ऊपर ठीक है हाई पेस के ऊपर पीपल ही हैज़ प्रॉब्लम्स बट ही स्कोर्स मोस्ट ऑफ हिज रन्स बिहाइंड स्क्वायर सो दैट मींस अगर पेस दे तो ही इज गोइंग टू यूज दैट पेस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बॉल टू हिम द अदर थिंग इज ये मेरा आपसे सवाल है अगर आपको पूरी यू वॉन्ट टू सेलेक्ट प्लेयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एवरी प्लेयर इन द वर्ल्ड इज अवेलेबल अगर आपको ओपनर चाहिए तो आपके पास जॉस बटलर एलेक्स हेल्स यू विल हैव समन लाइक क्विंटन डॉक लाइक रोहित शर्मा बाबर रिजवान एंड यू थिंक ऑफ ओपनर्स एंड थिंक फिन एलन एंड कॉनवे एंड यू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दैम यू इवन इफ यू डोंट पिक द फर्स्ट थ्री फोर नेम्स यू स्टिल हैव इनफ देयर कि इतना फर्क नहीं है उनमें ठीक है बट अगर मुझे ये बताएं कि मिडिल ऑर्डर में सुया कुमार यादव टाइप के कितने प्लेयर्स इस वक्त अवेलेबल ओन मतलब आप टाइप का तो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है ना yeah. टाइप तो बिल्कुल ही एक यूनिक क्वेश्चन yeah. है क्योंकि जो उनकी टाइप है वो बिल्कुल ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक एंड दिस इज हाई प्रेज बट आई थिंक लास्ट टाइम मैंने कभी किसी को ऐसे पूरे डायमेंशन को एक्सप्लोय करते देखा है तो दैट वाज ए डी या राइट right? ठीक yeah. है और अब आप वो बेबी ए बी लेवल नहीं बट बट वो आई एबी औरवल लेकिन अगर आप मिडल ऑर्डर की बात करते हैं तो आई थिंक मेरे नजदीक डेविड मिलर वुड बी वन नेम जो आपको के हाँ ठीक है यार इसे वहां पे किया जा सकता है मोइन अली वुड बी अनदर लेकिन द कंसिस्टेंसी दैट सूर्या कुमार यादव हैज

आप कितने मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर हिटर आपको दुनिया में मिलेंगे एबसोलूटली लेकिन चलते हैं थोड़ा सा ग्रुप्स के रिव्यू की तरफ uh, आपके सामने सब अगर हम ग्रुप वन का टेबल रख लें वो भी आपके सामने होगा वी ऑल नो दैट न्यूजीलैंड टॉप द ग्रुप और सेकेंड पर इंग्लैंड इट ऑस्ट्रेलिया कुर क्वालिफाई ड्यू टू दैट रन रेट सिचुएशन जबकि ग्रुप टू जो था जो पाकिस्तान का ग्रुप था उसमें जो दो सेमीफाइनलिस्ट सामने आए वो इंडिया टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द ग्रुप और उसके बाद पाकिस्तान और ये पहले तो ये समरीज आपके सामने ये क्लियर कट ये आ गई जिसके बाद मैचेस जो बन रहे हैं सेमीफाइनल के वो ये हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया होगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड और इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड हक जो अमूमन आगे पीछे 92 में भी यही हुआ था mm -hmm. चीज़ें नहीं करते इस पूरे वर्ल्ड कप में वो नाइन्टी टू में भी यही हुआ था चीज़ें करते रहें लेकिन खैर कॉन्वर्सेशन बाद में करेंगे ये ये सेमीफाइनल कल पहला खेला जाएगा एंड वी विल ट्राई टू डू अ डिटेल्ड बिल्ड अप टू दैट इन आर शो टुमारो अच्छा चले रिहान इस वक्त बात करते हैं अबाउट द की परफॉर्मर्स नाउ देवर सम वेरी वेरी गुड सॉलिड की परफॉर्मेंसेस इन यू नो सुपर ट्वेल्व स्टेज ठीक है जिसके अंदर कुछ लोग नहीं आगे आ गया सके सिकंदर रजा की हम थ्रू आउट बात करते रहे हैं सिकंदर रजा वॉज रियली रियली गुड साउथ अफ्रीका की टीम टिल फॉर्म उसके अंदर भी वार। लेकिन मेरे नजदीक अगर पहले हम इन टीम्स के उस पर चले तो आई पर्सनली थिंक आई नो आर फास्ट बॉलर वल लेकिन आई डोंट थिंक Anyone comes close to Nokia as far as so far the fast bowler of the tournament is concerned easily uh, along with Sam Curran by the way Sam Curran तो एक तरीके की problem है ना यार मैं Sam Curran को fast bowler की mm -hmm. medium pace वो नबी लाशमी वाली बात दो ball slow bumper Haan. slower bumper तो वो वाला check करे हाँ but uh, नार्कििया वॉज अमेजिंग इन द वर्ल्ड कप एंड द प्रॉल्स साउथ अफ्रीका वॉज के रबाडा जस डिट नॉट डिलीवर ऑल दो इन पिचेस के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रबाडा वुड भी द गाए दैट यू नो बेसिकली गेट्स एम विकेट्स एंड कंट्रोल्स आर स्कोरिंग बट नार्किया हैड एन अमेजिंग टोर्नामेंट अदर दैन दैट साउथ अफ्रीका आप जितना मर्जी उसको एनालाइज़ करें जो मर्जी कर लें सम थिंग डोंट गो अवे एंड उसमें अक्सर होता है कि आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं इस जनरेशन को जिसके देर नॉट स्काट बाय द प्रिवियस जनरेशन दैट्स फाइन विद मी दैट I agree with that. But previous generation ke coaches are you, So that energy, that that conversation does happen. Like, ke oh hua tha. we will not repeat this mistake. So sometimes you overanalyze, overthink, and you make a lot, lot of mistakes. That is why it's important that you see a situation. So, why did we lose a game? You remember why you won some games. When you think about how you lost some games, so that immediately becomes a problem. Ke

डिपाइट yeah. वो पहला मैच जिसके अंदर उस दिन कोई मुझे कैलकुलेट करके दे रहा था कि जी अगर इसी रेट पर हसन अंगा चौथा ओवर भी करा देते yeah. तो सेवनटी टू रंस कंसीड करते <laughs> <laughs> yeah. लेकिन yeah. उसके बावजूद दुबई ही के एम बैक वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली आई थिंक इवन लिरू बोल्ड रेली रेली वहाँ पर वो हो गया तास्किंग की हमने बात कर चुके हुए लेकिन मैं स्टैंड आउट में कोई जो बड़े इस वक्त बोल्ट uh, बोल्ट या बोल्ट स्पिन रियली गुड बट मैं तो जो सेमीफाइनल में क्वालीफाई करके उन्हें अभी मैं साइड पर रखता हूं मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं आगे मेरी नजर में बांग्लादेश से तस्कीन वाज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर फॉर देम जिम्बाब्वे से ऑब्वियसली सिकंदर आयरलैंड हैड अ ओ आयरलैंड है टू थ्री नेम्स बर्नी स्टर्लिंग उसके अलावा उनके बॉलर जॉश लिटिल आई थिंक ही वाज रियली गुड नेदरलैंड्स की बात करें इवन डिलेनी वाज गुड या या दे हैड लाइक A good time in the World Cup. Their bowling apart from Josh Little couldn't live up to that expectation so we've seen some really really high quality performance in this World Cup and that is why that is why we saw that throughout the Super 12 stage yeah think of a World Cup ever in cricket where you've seen so many upsets no I, ca I can't I mean doesn't come close 2007 World T20 was very special it was the first edition and uh, it was in South Africa and

Unka bhi जो दो हजार नौ में उनकी टीम में थे साउथ अफ्रीका की वो अब उनके गेम्स खेल रहे थे तो आई मीन सो यू हैड्स बिकॉज इट्स अ टी ट्वेंटी फॉर्मैट सो यू ओनली नीड इन यूर बैटिंग यू ओनली नीड वन ऑफ द गायस्ट टू स्टेप अप सो बेसिकली अगर वो आपके एक मैच वनर का दिन हो गया तो आप वो कर जाएंगे फिर आपकी बॉलिंग बॉलिंग इज अटर डिफरेंट क्योंकि आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है पर बैटिंग में तो अगर आपका एक जो है वो फायर

आई थिंक बटलर वुड बी दी ऑब्वियस चोइसर है ना क्योंकि yeah. कोई और मतलब डेविन कॉन्वे भी कहा जा सकता है ग्लैन फिलिप्स ही खैर बीच में आई थिंक थोड़ा सा कीपिंग करते रहे हैं लेकिन नॉट इन दिस वर्ल्ड कप भैया अभी जो मेरे मेरी नज़र में इस वर्ल्ड कप के जो स्टैंड आउट बैटर्स हैं ना आई नो फिनाल है स्कोर्ड रो विराट कोहली है स्कोर्ड रट मेरे लिए दो स्टैंड आउट बैटर्स हैं ना आप कीपिंग से मैं बैटिंग याद आ गया फिलिप्स का नाम लिया आर फिलिप्स एंड सूर्या कुमार याद ऑफकोर्स बिकॉज टू डू दैट इन द मिडल ओवर्स is very different to doing that in, at the top order. Uh, so wo, they are the x factors for their team. and you will see just then on ka 30 patch up and down, hua to, their teams will struggle as well. and that is, that is where uh, i feel, ke wo, they are the ones who completely take their teams from being on par to table toppers. so to, i think those are the two x factor players. in terms of bowling, i feel, ke, Norkia pretty obvious, sam karen, shadab. आई थिंक वुड बी अप देयर अच्छा वैसे मैं एक और बात भी करूँगा अगर हम इस वक्त आई होप दैट वी डोंट जंप द गन इस वक्त लेकिन मैं थोड़ी सी ये भी कॉन्वर्सेशन करूँ कि हमारे नज़दीक प्रोडिक्शन में शॉर्ट लिस्ट कौन कौन हो सकता है फॉर द प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट हम बात करें इस वक्त ग्रुप सुपर uh, ट्वेल्व की ग्रुप रिव्यूज की सॉरी आज मुझे लग रहा है मैं बहुत ही uh, जल्दी उठ गया हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लर ज़्यादा कर रहा हूँ अच्छा रिहान Uh, मैं बात कर रहा था जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टैंड आउट परफॉर्मर्स की पहले हमने उन टीमों पे फोकस किया जिन जो टीमें आगे नहीं पहुंच सकी ठीक hmm. है जो टीमें आगे नहीं पहुंच सकी अब जरा थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन में करना चाह रहा हूं अबाउट द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स ओवरऑल जो अब तक इस वर्ल्ड कप के अंदर आए हैं हु कुड बी कंटेंडर्स फॉर यू नो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाली सिचुएशन सूर्या कुमार यादव की तो हमने थ्रू आउट बात करी ठीक yeah. है बहुत डिटेल बात की एक और uh, हजरत पता नहीं शायद आपने उनका नाम सुना हो ना सुनाओ वो विराट कोहली के नाम से जाना जाते हैं जिन्होंने इस वक्त मुझे लगता है कि 82 टू के ऊपर की उनकी एवरेज है क्योंकि आउट भी नहीं हो रहे आजकल वो ठीक है वो स्कोर भी कर रहे हैं hmm. हमें तो उनका बहुत एक तो वो विराट कोहली होंगे उस पर भी कॉन्वर्सेशन yeah. आगे करके चलते हैं ग्लैन फिलिप्स वुड प्रोबली बी अ अंटेंडर फॉर न्यूजीलैंड इफ दे गो फर्दर ठीक है क्योंकि स्टैंड आउट परफॉर्मर

And उसकी वजह है फिन जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो जो अपोशन टीम है वो अपने पावर प्ले पे बिल्कुल सर्कल पे फील्डर्स रखते हैं दे स्टील अ लॉट ऑफ सिंगल्स फिल्डर ये मैं डॉट बॉल परसेंटेज वाली बात को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक आपको पॉइंट मारना है बाद में हुँ. तो उस पॉइंट के लिए ना यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा डॉट बॉल परसेंटेज लिख दू मैं आपको बताऊंगा क्या पॉइंट मारूंगा हम आगे चलेंगे वो मैं भी आपको एक पॉइंट मारूंगा लेकिन लेकिन हम जब मैं आपको एक और चीज बताता सिर्फ इनकी थर्टी परसेंट से कम डॉट बॉल नहीं नहीं वो मुझे पता है लेकिन एक मैं जो आपको पॉइंट की फोर्टी परसेंट से ज्यादा है और वो वो भी सेमीफाइनल में नहीं लेकिन मैं आपको एक <laughs> और बात बताऊंगा जो मैंने पॉइंट मारना वो डिफरेंट अच्छा। है ठीक है मैंने ये नहीं करना ऑफकोर्स मुझे हाँ। पता है इस वक्त ये बात <laughs> वापस आनी है अच्छा लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम जो बात करें माई लीडिंग कंटेंट है राइट नाउ स्पेशली इफ पाकिस्तान मेक्स इट टू द फाइनल एंड इन शाह पाकिस्तान विन्स द वर्ल्ड कप इट हैज टू बी शादा खान क्योंकि पा मतलब आई नो हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत कंट्रोल दिया है बहुत वो यू नो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है लेकिन अगर आप ओवरऑल क्योंकि देखिए इन टूर्नामेंट्स में मैटर करता है कि आपके नंबर्स ओवरऑल क्या हैं व्हेन यू आर कंपीटिंग विद टॉप टेयर प्लेयर्स इकॉन्मी वगैरह हमारे फ़ास्ट बॉलर्स की बड़ी ज़बरदस्त है मतलब शाहीन इज़ नाउ आल्सो इन द विकेट्स और सारा कुछ मतलब हारिस की हैज़ बीन अ स्टैंड आउट परफॉर्मर लेकिन शादाब खान has truly been the superstar of this tournament yeah i think a simple thing In india match mein usko bilkul padi and he was bowling against like there were phases where he controlled the innings and basically india started attacking from the other end he still got through his four overs for only 21 despite at the point that 45 for i think fourth he was at 10 overs mark and they need to attack from both ends but apne dono nikal फिर जो जिम्बावे मैच उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी देन अगेन हिज बोलिंगज बीन आउटस्टैंडिंग लाइक साउथ अफ्रीका वाले मैच में हम उसकी सेकेंड फास्टेस्ट फिफ्टी फॉर पाकिस्तान की बात करते हैं लेकिन दोज टू विकेट्स ही टेक्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डीएल मैथड कम्प्लीटली चेंजिंग द आउटकम ऑफ द मैच एंड वो जो दो विकेट्स एक ओवर में निकालनी थी वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सो और वो सिर्फ सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ वो वाई जगह नहीं है शादाब का जो एक स्टैंड आउट की फीचर है ना इंडिया के ख़िलाफ़ ठीक है उसने तो रिस्ट्रिक्ट किया मेरे नज़दीक वो फोर ओवर्स फॉर जस्ट ट्वेंटी वन रन आर एट लीस्ट वर्थ अगेंस्ट दैट बैटिंग लाइन अप एट लीस्ट वर्थ वन विकेट एज वेल राइट एट लीस्ट वर्थ वन विकेट लेकिन मैं जो स्टैंड आउट फीचर है वो ये है कि जब भी किसी टीम ने आपके खिलाफ मोमेंटम uh, पकड़ा या इम्पटस पकड़ा शादाब है चिपटेन विद मोस्टली टू विकेट्स एट दैट स्टेज एग्जैक्टली एंड दी अदर थिंग इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी अबाउट थ्री तीन चार बॉलर्स की बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ लगती है मुझे शादाब हसारंगा राशिद खान वेन दे पिकअप विकेट्स इट्स इन वन ओवर के वो एक ओवर में दो आउट कर देंगे तो कम्प्लीटली मोमेंटम शिफ्ट जो है ना वो उनके एक ओवर से वो आ जाता है विकेट्स के उसके ऊपर बिकॉज हुए एवर द न्यू बैटर कमिंग इन इज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑल ऑफ दैम बिकॉज देर गूगलीज़ आउट स्टैंडिंग जिस पेज पर वो बॉल करते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले दैम एंड द वन थिंग दैट आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी शादाट डूइंगज़ जो माक्रम को उसने बॉल करवाई थी आई फील के दैट इज़ अ वन थिंग दैट मिसिंग इन इज़ बोलिंग कि वो फ्लिपर वाली जो एलिमेंट है एंड आई नो हिज़ वर्क रियली रियली हार्ड ऑन इट एंड इमरान ताहिर हैज़ बीन इमरान ताहिर से काफ़ी सीखा उन्होंने इसके ऊपर फ्लिपर के ऊपर काम करना तो आई फील दैट इज़ अ वन बॉ अगर मोर कंसटेंटली कराना शुरू करेगा तो इज़ बोलिंग विल गो एन अदर लेवल इज वेल तो आई मीन तो ये सारे एटलीस्ट हमारे नज़दीक These would be the सवाल ये मैंने इंग्लैंड का कोई नहीं डाला मेंटल ब्लॉक you know, होता है कुछ मतलब मैं आपको बताता हूँ सो so, कुछ डेविड विली वही करे तो वो क्या बात है वही वाली बात कर <laughs> कुछ इंग्लिश प्लेयर्स हैं हिस्टोरिकली चला आ रहा है और आप ये वो नाइनटी सिक्स से निकाल लें आपको याद है हमने एक दफा एक अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी की थी hmm, वो, जो वो, तो, वो कौन सी टीम थी एडम एडम मार्क होली वाली yeah. टीम से अगर हम हार कर वो शारजा में ट्रॉफी हार गए थे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपका मेंटल ब्लॉक होता है कुछ इंग्लिश प्लेयर्स पर hmm. आप कहते हैं तो यार ये जो ये कर ये मतलब इसे तो बड़ी मार पड़े और फिर वो नहीं पड़ती मतलब बिकॉज दे आर सो स्मार्ट सारा कुछ लेकिन सैम करन ओके सैम करन को मैं डाल देता हूँ लेकिन आई थिंक Adil Rashid just had one solid performance. Adil Rashid only picked up one wicket in the entire tournament. Yeah. So I don't think he comes in there. Uh, what about uh, your favorite Alex Hales, Alex Hales? I think he has had a good, he was man of the match in one, provided the start in the other. So he's had, after the first two games, he's had a decent tournament. Okay. Yeah. So he would be up there. England, if you performances, in England have basically, you differences in top five teams in the World Cup. Mein. इन टर्म्स ऑफ बैटिंग रन रेट एंड बॉलिंग इकोनमी तो जो डिफरेंस आता है ना उसमें नंबर पाँच पे इंग्लैंड आता है जो चार फै साउथ अफ्रीका इज नंबर फोर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका और वो इंटो मिस आउट बट इट्स न्यूजीलैंड इंडिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एंड देन इंग्लैंड सो इंग्लैंड है प्लेंग एट दरअ बेस्ट इन दिस टर्नामेंट ये थोड़ी जो मैं उस दिन शाहीन की बात कर रहा था कि शाहीन की स्कीरी चीज़ यह है कि ही हैजेंट हिट इज पीक यट बट

बट वेन एवर हीज बीन वेरी इकोनॉमिकल तो दैट्स देखिए अब आप कहेंगे गैर प्लेयर तो टोर्न की बात कर रहे थे उन्होंने बारह की लिस्ट बना दी हम इसकी इलेवन बना के आपको दे सकते हैं बट हाँ बट इंग्लैंड का अभी वही है कि अदर देन सैम करन यू कैनॉट सेनी वन हैज बीन कम्पलीटली आउट स्टैंडिंग ठीक है देव बीन ऑल गुड बट आउट स्टैंडिंग माई ओपिनियन देर टीम अच्छा ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी आ, उनको काफी है उनको <laughs> <laughs> रीबिल्डिंग की आ, है, की ज़रूरत ज़रूरत है मैं जो सवाल कर रहा ये है उन्हें उन्हें बेहतर बेहतर प्लानिंग फिर और चीजें <laughs> <laughs> लेकिन मैं जो एक और कर रहा हूँ फुटबॉल में अमूमन देखते हैं लेकिन फुटबॉल में चार चार साल का साइकिल होता है और आईसी का जो मेन वर्ल्ड कप होता है फिफ्टी और वर्ल्ड कप उसमें भी चार चार साल का साइकिल होता है तो वो उसमें एक कई दफ़ा थेरी कही जाती है कि अगर आपका एक साल का सक्सेसफुल गया है तो कई दफ़ा जो कोचिंग स्टाफ अगर वहाँ पे स्टिक करे तो क्वेश्चन होता है कि मे बी द लॉयल्टी टू द सेम प्लेयर्स कॉस्ट कॉस्टन बट ये तो लिटरली 11 महीने के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट 11 महीने के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है और दूसरी चीज़ कोचिंग स्टाफ भी नहीं है वो वाला ठीक है काफ़ी चेंजेस उसमें भी हुए हैं तीसरी चीज़ इसमें ये है कि की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर वो फुल ठीक है रबाडा एंड स्टार्क लाइक आप वर्ल्ड कप पे आ रहे थे और आप जब पांच छह बॉलर्स की लिस्ट बनाते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये दोनों का नाम आएगा नहीं एंड ही डजंट इवन लीग क्रिकेट इन द वर्ल्ड अक्रॉस वर्ल्ड तो उसका टी20 की एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ जो हैं वो उस लेवल की डेवलप नहीं हुई जितनी एक जो बॉलर इस लेवल का लीग क्रिकेट खेल रहा है बिकॉज लीग क्रिकेट के अंदर क्या होता है आप अक्सर हम बात करते हैं जी क्वालिटी नहीं है क्वालिटी नहीं है आप हारिस राउ फॉर एग्जांपल दुनिया के बेस्ट जो डेथ ओवर्स बैटर्स हैं उनको आउट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है तो हिज इकोनॉमी रेट इज रियली हाई बिकॉज पाकिस्तानी बैटर्स वेरी डिफरेंटली ठीक है सो ही हैजू देन एडजस्ट टू दैट स्किल तो वो ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखें तो इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर स्टार्ट किस के ही इज़ नॉट डिवेलप्ड एनी थिंग न्यू और नाउ पीपल एक्चुअली इफ इफ द बॉल इज नॉट स्विंगिंग नई बॉल व नई स्विंग कर रहा पुरानी रिवर्स नहीं हो रही तो यू कैन लाइन हिम अप ठीक है अरेहान और भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बात हो सकती है मैं छोड़ूंगा कि जब भी आपका मूड डाउन हुआ करेगा मैं ऑस्ट्रेलिया का जिक्र छेड़ दिया करूंगा चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ आपके ट्वीट्स हमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएं हमने कुछ काफ़ी ज़्यादा सवाल ऐसे भी हैं जिन्हें हम पहले एड्रेस कर चुके हैं सो प्लीज़ अ इन एडवांस अगर कहीं पर आपको रेपोटेशन लगे चलते हैं जी पहले ट्वीट की तरफ लेट्स हर द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन मुबशर अहमद एक तो पहली बात है मुबशर आपको हमारा सलाम जितना रेगुलरली आपके हमें ट्वीट्स आते हैं थैंक यू सो मच फॉर बीन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ दिस शो क्या कहते हैं कि क्या पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर पहली इनिंग्स में बेहतर खेलता है एज अपोज टू दू प्रूव प्रूव स्टेटिस्टिकली होगा राइट नाउ शुड वी बैट फर्स्ट एट सिडनी टॉसर

कि एक तो पहली बात यह कि आप जब तक कंडीशन वहाँ जाके रीड ना करें स्टडी ना करें तब एक्जैक्टली यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन बिफोर लुकिंग एट दि कान यू कॉन्ट मेक ये तो मैं हमेशा वेली बात करता हूँ एंड इवन देन हमारे पास कितने रिकॉर्डेड इंस्टेंसिस हैं कि जब तक पहली छः बॉलें पिच में पड़े ना तब तक आपको नहीं पता था But, यार ये फैसला हुआ या नहीं हुआ? एक बहुत इंटरेस्टिंग <laughs> चीज़ है ऑब्वियसली लाइक क्रिकेट देखता था मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पहली इनिंग्स में तो यार कुछ नहीं हुआ ये दूसरी इनिंग्स में बॉल इतना मूव क्यों कर रही है Then you के जो रोलर पिच के ऊपर आता है इनिंग उसमें भी आपकी टीम में एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ जो आपको बताते हैं heavy roller लेना है, या आपने कौन सा लाइट रोलर लेना है ऑल ऑफ दीज डिसीजन प्ले अट इन इवेंचल आउटकम ऑफ द गेम ठीक हो गया अगले अगले ट्वीट की तरफ चलेट नेक्स्ट ट्वीट हांजी वसीम सीनियर मुझे तो नाम ही बड़ा पसंद है वसीम सीनियर आप लोगों ने अभी तक मैचअप डिस्कशन नहीं किया आफ्टर फर्स्ट केम डू वन फॉर सेमीफाइनल फाइनल्स प्लीज़ करें ना यार नहीं पिछली दफा जब मैंने मैचअप डिस्कशन की थी तो रिजल्ट क्या था मैच का रिजल्ट हम मार गए थे तो मैं तो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस आदमी हूँ मैंने हम फिर मै... एक <laughs> काम करेंगे कि उसके बाद करेंगे और वो हमारे पास साइड uh, भी नहीं, मेरे पास पड़े हुए हैं मैं तो इसलिए नहीं कर रहा चले आप ट्वीट कर दें फिर लोगों के ठीक है आप लोगों के लिए ट्वीट करते हैं हम फिर जियो के प्लेटफॉर्म से वो भी शेयर कर देंगे हम बल्कि आपको फिर एक काम करेंगे हम आपको एक किसी एक आ, ट्विटर स्पेज पर बुला कर आपसे ये मैं, मैं वैसे नहीं। इसीलिए मैंने किया था क्योंकि आप तो खैर मैं भी नहीं आता बड़े से बड़े अरसे से नहीं आया सज्जाद महमूद डिस्कस बाबर एज ओपनर एंड मिडल ऑर्डर अच्छा दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बिकॉज रिहान काफ़ी दफ़ा लोग हमें कहते हैं कि बाबर डिट रियली स्टार्ट एज एन ओपनर यू डिट रियली स्टार्ट एज अ टॉप ऑर्डर बैटर Yeah, मतलब know. मतलब आपको तो पता है आपके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड yeah. में थे तो टॉक अबाउट बाबर इफ ही हैज टू क्योंकि आई नो काफ़ी ज्यादा सीनियर प्लेयर्स वाली बात करते रहे आई डोंट थिंक उसमें ज्यादा मेरिट सेंस में है लेकिन खैर हमने भी एक आधी दफ़ा एटलीस्ट मैंने तो कहा है कि इफ़ हैज़ टू मेक सेक्रीफाइस कम डाउन तो टॉक अबाउट हिम इन दैट रोल फर्स्टली तो ये है कि बाबर जब इनिशली आ, वो आपने जो बात की कि मिडल ऑर्डर प्लेयर नॉट इवन नंबर थ्री ठीक है स्लोली developed into a number नंबर थ्री बैटर एंड दैन जब वो वन डे इंटरनेशनल वगैरह खेला तो नंबर तीन के ऊपर इवन वन ही वाज प्लेंग फॉर अंडर नाइनटीन सो इट प्लेयर थ्री बट जब वो टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलना शुरू की तो नंबर फोर एंड ऑल एंड इसके ऊपर वन ऑफ द आईव सेट दिस ऑन रिकॉर्ड मेनी टाइम्स के वन ऑफ दी मोस्ट आउट स्टैंडिंग डिसीजन मिखी आर डिड इन इज डन यॉज मूविंग बाबर टू ओपन द इनिंग्स फॉर बोथ पाकिस्तान एंड कराची किंग्स दैट्स बेसिकली वैन हेज करियर इन वाइट बॉल क्रिकेट गोज फ्राम बींग यू नो गोड टू अ नेक्स्ट लेवल

कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में जब एक दफ़ा वर्ल्ड कप का पोस्टमार्टम करेंगे ना तो फिर इस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे एंड विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दैट आर देयर मैंने क्यों इससे मुख्तसर करने की कोशिश की क्योंकि यहाँ टाइम खत्म हो गया ठीक है सो वी जस्ट हैव टू माइंड अप दिस शो थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस हम कल आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक अच्छा डिटेल रिव्यू करें फॉर द फर्स्ट सेमी फाइनल और फिर आपने तैयारियाँ पकड़नी है उसकी आपको हमारा शो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छे प्रिव्यूज़ दें फॉर बोथ द सेमी फाइनल्स एंड ऑफ कोर्स वी विल बी देर फॉर द फाइनल एज वेल हैदर अज़हर को कल तक के लिए इजाजत दें आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउच